अतुल जो कि स्वभाव से बहुत ही खुश मिजाज और रंगीन था, आज अपनी नई नवेली वाइफ को लेने उसके मायके जाने वाला था ताकि वो पद फेरे की रस्म पूरी कर सके। अतुल की माँ ने उसको आवाज़ दी और बोली, और कितना रेडी होगे बेटा, कब से तुम्हारी बहन इंतज़ार कर रही है कार में, जल्दी जाओ और बहू को लेके आओ। अतुल ने कहा, हाँ आता हूँ माँ। अतुल ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। सूट बूट में तैयार अतुल किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था और उसकी आंखों पे लगा काला चश्मा उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहा था। अतुल जीने से होता हुआ नीचे आया, माँ के पैर छुए और माँ बोली, बेटा शादी हो गई है अब तुम्हारी, याद रखना ज़्यादा रंगीनपना वहाँ ना दिखाना, क्योंकि वो ससुराल है तुम्हारा, अब सालियाँ छोड़ेंगी नहीं तुम्हें, और याद रखना तुम्हें क्या किसको बताना है और क्या नहीं। अतुल ने हाँ में सर हिलाया और जाके कार का दरवाज़ा ओपन किया। कार में बैठा और ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। अरे भैया कितनी देर लगा दी, और वैसे इतना सजने की ज़रूरत नहीं थी आपको, क्योंकि भाभी को तो आप पहले से ही पसंद थे और आपकी तो वैसे भी अब शादी हो चुकी है। अतुल बोला, बस कर, वैसे मेरी शादी से तुझे तो फ़ायदा हो गया ना, तेरा तो अब रास्ता साफ हो गया तेरे बॉयफ्रेंड से शादी के लिए, तेरे लिए भी डोर ओपन है, तू भी शादी कर ले। हिताली एकदम खामोश होकर चुपचाप बैठ गई। 20 मिनट में ही अतुल अपने ससुराल पहुंच गया। अतुल और हिताली दोनों कार से उतरे, ड्राइवर ने फलों की टोकरी ली और कुछ मिठाइयाँ, और फिर अतुल ने अपनी वाइफ सिम्मी के घर का दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर वेट करने के बाद राजीव ने दरवाज़ा खोला। राजीव हाफ पैंट्स में था और उसके सिक्स पैक क्या कमाल दिख रहे थे। अतुल की नज़र राजीव से हट ही नहीं रही थी, वो उसको निहार रहा था, और हिताली ने अतुल को हल्के से कोनी मारी और बोली, अब अंदर चले या अपने साले को अभी और देखना है तुम्हें। अतुल बोला, बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी, चलो घर चलो, फिर काटते हैं इसे कैंची से, और दोनों हंसने लगे। राजीव आगे आगे चल रहा था और अतुल पीछे से उसके चुस्त शरीर को निहार रहा था। उसकी आंखें राजीव से हट ही नहीं रही थीं। राजीव का रंग बेहद ही गोरा था और उसके शरीर पे ज़्यादा बाल भी नहीं थे। पीछे से उसकी जिमटोन्ड बॉडी कमाल दिख रही थी। और कैसे हैं दामाद जी, सब बढ़िया? हिताली बोली, हाँ आंटी सब बढ़िया, आपको तो पता ही है आपको ऐसे नज़ारे नहीं दिखाने चाहिए। सिम्मी की मम्मी बोली, हाँ जानती हूँ मैं, कोशिश तो की मैंने काफ़ी, पर कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती और मेहमानों के होते हुए मैं ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकती। अतुल बोला, मम्मी सिम्मी कहाँ है? सिम्मी की माँ बोली, जरा सब्र रखो, इतनी भी क्या बेकरारी, तुम्हारी ही तो है, किसी और की तो नहीं, और तुम भी अब सिर्फ उसके हो। अतुल बोला, बेकरारी तो है क्योंकि मुझे जल्दी घर जाना है और 9 दिन पूरे हो चुके हैं सिम्मी को गए हुए। सिम्मी की माँ शर्मा के अंदर चली गई। सिम्मी साड़ी में नई दुल्हन की तरह रेडी होकर चाय लेकर आई। अतुल बोला, बस चाय दोगी और कुछ नहीं? सिम्मी बोली, पागल हो गए हो क्या, मम्मी पापा का तो लिहाज करो। अतुल बोला, अरे काहे का लिहाज, जब इन्होंने कोई लिहाज नहीं किया मेरा तो मैं क्यों करूं। उतने में ही राजीव हॉल में आके डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। उसने वाइट कलर की कसी हुई टी शर्ट डाल रखी थी जिससे उसकी जिमटोन्ड बॉडी साफ नज़र आ रही थी। अतुल बोला, और राजीव सब कैसा चल रहा है? राजीव बोला, सब अच्छा ही चल रहा है, बस थोड़ा बॉडी पे काम करना है। अतुल ने छूटते ही बोला, कभी हमें भी मौका दो, हम भी काम कर देंगे तुम्हारा। सिम्मी ने गुस्से से अतुल की ओर देखा। अतुल बोला, अरे मेरा मतलब हम भी जिम जाते हैं, हमने भी बॉडी बनाई हुई है, हम भी किसी से कम तो नहीं। राजीव बोला, पर लगते तो नहीं, आप तो लगता जिम में सिर्फ टाइम पास ही करते हो। अतुल बोला, फिर कैसे लगूंगा बताओ। राजीव बोला,
दीदी को बाहों में उठाओ तो जानू। अतुल खड़ा हुआ और सिम्मी को अपनी बाहों में उठा लिया और चार पांच अप एंड डाउन किए और फिर वो बढ़ा राजीव की तरफ। अतुल ने राजीव को खड़ा किया और एक हाथ उसकी पीठ पे लगाया और दूसरा उसके घुटनों के पीछे और उसे भी अपनी बाहों में उठा लिया और धीरे से राजीव के कान में बोला, आखिर तुम्हें भी तो मैं उतना ही प्यार करता हूँ, ये तुम कैसे भूल गए। और फिर उसने राजीव से कहा, अब तो ऑफिशियल तौर पे भी तुम मेरे साला आधा घरवाला हो चुके हो। राजीव ने धीमी सी मुस्कान दी और अतुल के कान में कुछ खुसफुसाया। अतुल ने राजीव को उतारा। राजीव खड़ा था। अतुल बोला, मम्मी जी क्यों ना आज ही सिम्मी को ले जाएं। सिम्मी की माँ बोली, सुनो बेटा, हमने पहले ही कहा था कि आज नहीं कल ले जाना, और अब जब आज आए ही हो तो रुको यहाँ, आज तो नहीं जाने देंगे। अतुल बोला, पर सुनिए तो। इस पर राजीव बोला, अरे जीजू अब मान भी जाइए, वैसे रात में छत पे सोने में जो मजा हमारे यहाँ गांव में है वो आपके शहर में कहाँ मिलेगा। ये सुन हेताली शांत हो गई, उसने फ़ोन निकाला, वो बाहर चली गई। थोड़ी देर में अतुल का फ़ोन बजा और उसकी माँ का कॉल था। अतुल बोला, हाँ मम्मी बोलिए। माँ बोली, ये क्या बदतमीजी चल रही है वहाँ, हेताली ने हमें सब कुछ बताया, तुम फिर से लड़कों के पीछे भागने लगे। तुमने कहा था ना कि अगर सिम्मी से शादी करा दें तो तुम ये सब छोड़ दोगे, अब फिर से ये सब क्यों। अतुल बोला, मम्मी आप टेंशन ना लो, सब ठीक है, और हाँ जो आप कह रही हैं ना वो आपने ही कहा था, मैंने नहीं, अपने मन की आवाज़ सुनना कब से गलत है। अतुल बात करता हुआ छत पे ऊपर चला गया और अपनी माँ से कॉल पे बोला, आपकी सोच कब तक ऐसी ही रहने वाली है, आपके कहने पे मैंने सिम्मी से शादी कर ली और सब जगह आपने उड़ा दिया कि मेरी लव मैरिज है, जबकि सिम्मी के घर वाले और आप सब अच्छे से जानते हैं कि मेरा प्यार तो राजीव है, हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, पर आप और सिम्मी के परिवार की वजह से मेरी और सिम्मी की ज़बरदस्ती शादी हो गई। आप लोगों ने अपना अपना फ्यूचर तो बचा लिया लेकिन मेरे और राजीव का फ्यूचर बर्बाद कर दिया। आपको इतना तो पता होना ही चाहिए, आप चाहे मेरा रिश्ता किसी से भी ज़बरदस्ती बांध दें पर दिल का रिश्ता तो मेरा हमेशा उसी के साथ रहेगा जिससे मैं प्यार करता हूँ। अतुल ने फ़ोन काटा और अतुल पलटा, देखा तो राजीव उसके पीछे खड़ा था और वो अतुल के सीने से लग गया और दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। राजीव बोला, और कब तक ऐसे ही जीने वाले हैं हम, अब तो लगता पूरी ज़िंदगी ही ऐसे जीना पड़ेगा, मुझसे ये दिखावा नहीं हो पाएगा, ज़बरदस्ती मुझे तुम्हारा साला बना दिया गया जबकि मैं तो तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनने निकला था। अतुल ने कसकर राजीव को सीने से लगाए रखा और कहा, बस अब कुछ नहीं, जो है उसको बदलना हमारे हाथ में नहीं, पर हाँ आगे क्या करना है वो हमें पता है। धीरे धीरे करके पूरा दिन निकल गया और फिर सोने का प्लान बना तो राजीव और अतुल दोनों साथ में सोने छत पे चले गए। किसी को भी इस बात पे कोई आपत्ति नहीं हो पाई क्योंकि घर में रिश्तेदार थे। राजीव ने अतुल से कहा कि चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। राजीव पड़ोस के घर से होता हुआ अतुल को लेके नीचे रोड पर पहुँच गया, वहाँ से उसने ऑटो किया और दोनों बैठ गए। थोड़ी देर में ऑटो जाके स्टेशन पर रुका। राजीव ने अतुल को बताया कि उसने मुंबई जाने की टिकट कर ली है दोनों की, तो क्या अतुल अब राजीव के साथ चलेगा। अतुल ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, क्यों नहीं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर जहाँ भी आपका मन करे उसको शेयर ज़रूर करें।